अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज आपके सामने लाइव आने का मकसद हमारे रहनुमा आलिमदीन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, इनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ATS ने अवैध धर्मांतरण के बारे में अरेस्ट किया है। इस मुद्दे को लेकर आज लाइव आया हूं। आप सभी को पता है पूरे मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं, खास तौर से मुसलमानों को, मुसलमानों के सियासतदानों को, मुसलमानों के उलमाए दीन को और आम लोगों को भी यहां पर टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा जब कोविड का मामला देश में शुरू हुआ, सबसे पहले दुनिया के अमीर मौलाना साहब को यहां पर टारगेट किया गया कोविड फैलाने के मामले में। गोदी मीडिया ने आपके सामने ऐसा पिक्चर खड़ा किया कि पूरी मरकज और तबलीगी जमात, इन लोगों ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया है, ऐसा एक पिक्चर तैयार किया। पूरा मीडिया यहां पर मोदी साहब हैंडल करते हैं और इसी मीडिया के माध्यम से हिंदू और मुसलमान करने का यहां पर साजिश रचते हैं। उसके बाद आपने देखा कई सियासतदान है जिनको टारगेट किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में। आपने देखा वहां के नेताओं को किस तरीके से टॉर्चर किया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। जौहर यूनिवर्सिटी का भी आपको पता है, पूरे मुल्क में जब CA NRC का मुद्दा आया तब भी JNU को किस तरीके से टारगेट किया गया, जामिया इस्लामिया को किस तरीके से टारगेट किया गया। तो ये साजिशें पूरे मुल्क भर में इस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रही है। आज अवैध धर्मांतर के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उनको 10 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया। यह कतई बर्दाश्त